हेलो सलाम नमस्ते। आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी जगत के और रामलीला के बहुत बड़े कलाकार जिन्होंने अहिरावण और मेघनाथ की भूमिका निभाई है, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ इमरान खान जी भी मौजूद हैं। मैं इन सबका बॉलीवुड केसरी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने रामलीला में अहिरावण और मेघनाथ की भूमिका भी निभाई है, फिल्मी जगत में किरदार निभाने में और रामलीला में किरदार निभाने में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। फिल्म लाइन में सब शॉर्ट डिवीजन करके किया जाता है जी। यहाँ पर बगैर किसी रिहर्सल के, बगैर किसी के, बस स्टेज पे से चढ़ा दिया जाता है और एक्टर को खुद बनाना पड़ता है अपना सब मोमेंट वगैरह। बड़ा डिफिकल्ट काम। कमान से निकला हुआ तीर जो है वापस नहीं लिया जा सकता, तो जो भी शब्द निकल जाते हैं उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। इमरान खान साहब, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपको स्क्रीन पे देखे लंबा समय हो चुका है, तो आपके आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, कुछ आप हमें बता सकते हैं? शायद आपने नहीं देखा था, लेकिन मई के महीने में एक फिल्म रिलीज हुई थी सरगोशी, जो खुद मैंने प्रोड्यूस की थी और उसको डायरेक्ट की थी। और हाल ही में कलर्स पर शक्ति सीरियल में मेरा बहुत अच्छा कैमियो था। बेहद शो जो अभी चल ही रहा है सोनी पे, उसमें मेरा बहुत लंबा रोल था, जो दो तीन महीना पहले उस कैरेक्टर की मौत। मैं फिल्म जगत की बात कर रहा हूं। फिल्म जगत या थोड़ा सा अभी क्या है, प्रोडक्शन की तरफ रुझान हुआ है, तो खुद की मैं नेक्स्ट प्रोडक्शन नंबर टू टेंटेटिवली हम उसे फ्रीडम बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट जो फिल्म है फ्रीडम टेंटेटिव टाइटल उसका है, वो दिसंबर में शुरू करेंगे जी। बाकी आज यहाँ है हम रामलीला के लिए, और जो रजा भाई ने कहा है वो बहुत ही एक बहुत आला मैसेज है। बहुत इट्स अ वेरी बिग मैसेज टू द कंट्री, बिकॉज दैट इज वेरी मच नीडेड राइट नाउ, बिकॉज देख रहे हैं हम कि काफ़ी लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइप की चीज़ें। जो ये ऑर्गेनाइजर्स में मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने ये रामलीला ऑर्गेनाइज की है, और उसमें रजा भाई, शहबाज भाई, मैं, हमारे एक और कलाकार हैं अली भाई, तो ऐसे मुसलमान कलाकार रामलीला में हिस्सा ले रहे हैं। सो इट विल बी गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू द नेशन, तो दैट्स अ वेरी नोबल थॉट एंड दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। और दिल्ली की रामलीला के बारे में बचपन से सुनते रहे हैं, आज इसका एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। सो That's it. Thank you very much for calling us. तो रजा मुराद जी, आपकी आवाज के, आपकी तीनों की आवाज के लोग दीवाने हैं, आपकी आवाज में जो एक भारीपन है, एक खनक है, तो रामलीला से एक डायलॉग, आप अहिरावण का रोल निभा रहे हैं रामलीला में। नहीं, मैं अभी तो कुंभकर्ण का निभा रहा हूँ जी, अभी नींद में हूँ, नींद से उठूंगा तो डायलॉग बोलूंगा। आपकी फिल्म से कोई डायलॉग? शेर सुना देता हूँ। बिल्कुल, एक शायर है जिन्होंने मेरे लिए मुझे ये नजर किया है जी। शेर अबरार साहब, अबरार काश्मी नाम है जी। वो फरमाते हैं कि ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे। ख्वाबों की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मेरे। सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, सिर्फ आवाज ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज के आगे भी सुना जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आगे तो कुछ नहीं कह सकता मैं जवाब। नहीं, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो चुका हूं सर। मैं आपसे कोई डायलॉग सुनना चाहता हूं। डायलॉग ही, मैं भी एक शेर सुनाऊं। इरशाद, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी हमारा। और शायद यही वजह है कि हम भारत में इस तरह के सौहार्द का, इस तरह के सद्भाव का मैसेज देते हैं, जहां पर हम रामलीला में, जो हिंदू धर्म की रामलीला है, लेकिन हम मैं धर्म से नहीं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये आपके सामने एक मिसाल है कि रामलीला सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं जुड़ी हुई है। रामलीला में हम सद्भाव का, सौहार्द का, एक धर्म निरपेक्षता, इस तरह का हम एक संदेश देते हैं। मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ पंजाब केसरी, बॉलीवुड केसरी में आने का। देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।